काफ़ी फ्री है लाइफ। और भिटाई का एक शेर भी है कि नक्का झल नक्का पल नक्की रावर डेह में आण्यो विधियन आहर है रोड़ियो रता गुल मारू पाणा मुल मली रहूं मरकड़ो। यानी कि नका झल नका पल, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, नक्की रावर डेह में कोई टैक्स नहीं है। तो भिटाई जो थर में आया वो हैरान हो गया कि यहाँ कोई चुंगी नहीं ले रहा है, यहाँ मवेशी चल रहे हैं के लिए ज़मीन कोई बाउंड नहीं है, वो कहीं भी जा रहे हैं। तो काफ़ी फ्री लाइफ है, लिबरल लाइफ है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है, कोई लूटने वाला नहीं है, कोई यहाँ चोरी नहीं होती है, चोरी का यहाँ कंसेप्ट नहीं है, लूट मार का सिस्टम नहीं है। यहाँ बकरियाँ यहाँ के मवेशी चले जाते हैं दूर दूर तक, कोई उनको काट के खा जाए ये होता ही नहीं है, कोई किसी के घर की तरफ देखता नहीं है। और औरतें भी बाकी सोसाइटी की वजह से काफ़ी लिबरल हैं। आप देखेंगे कोई औरत जो है दरख्त पे चढ़ी हुई है, वो वहाँ पत्ते ले रही है, लकड़ी ले रही है, वो अकेली अकेली चल रही है। बाकी सिंध में ये तो नहीं होता, मुश्किल होता है कि अकेली औरत जाए और मजदूरी करे। यहाँ तो काम पूरा औरत करती है, पानी औरत भरती है और दूर दूर कुएं में। अब जैसे मारवी बहुत खूबसूरत लड़की थी, वो कुएं पे गई पानी भरने। कहानी ये है, होना तो ये चाहिए कि एक घर की नौजवान खूबसूरत लड़की अकेली कैसे जाए कुएं पे, कुआं गांव से बाहर। तो काफ़ी लिबर्टी है मौजूद सोसाइटी में, कोई ज़्यादा दबाव नहीं है, लेकिन भूख बहुत है, गिज़ा कम है और वसाइल बहुत कम है, लोगों में इनिशिएटिव कम है, लोग थोड़े पे खुश रहते हैं और डर डर के जीते हैं और सब ह्यूमन लाइफ गुजारते हैं। अब ये किसी को रोमांटिक लगे तो उसकी अपनी वो है कि भाई बहुत ज़्यादा खा के लोग मरते हैं, बीमार होते हैं, या बहुत बिजी रह के लोग जो है वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। यहाँ तो फुर्सत है, खुला आसमान है, तारे हैं, चांद है, खुली हवा है, बहुत थोड़ा खाना है, कोई बर्डन नहीं है काम का, कोई डेडलाइन नहीं है। देहात में अखबार भी नहीं आता, डेट का भी मालूम नहीं होता है, 15-15, 20-20 दिन जेब में 1 रुपया भी नहीं है फिर भी गुजारा हो जाता है। घर में कुछ दाने पड़े हैं, लकड़ियाँ आ गई हैं, वो पके हैं, रोटी पक गई है, गुजारा हो गया है। यहाँ हिंदू धर्म की भी प्रैक्टिस कोई स्ट्रांग रही नहीं, सबकी पूजा एक सी अपनी अपनी रीत, मस्जिद में जाए मौलवी और कोयल गाए गीत। अगर हम देखें तो कोई ज्यादा बड़े मंदिर, बड़े पंडित या कोई रिलीजन का कोई ज़्यादा ट्रेडिशन नज़र नहीं आता। अगर आप गांव में चले जाएं तो आपको कोई बड़ा मंदिर भी नहीं मिलेगा। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कोई मस्जिद भी नहीं थी, ये मस्जिदें जो बनी हैं ये भी जब से कुवैत से डोनेशन आई, कतर से डोनेशन आई, या एनजीओज मुख्तलिफ रिलीजियस बनी, उन्होंने मस्जिदें बनाना शुरू कर दी। नहीं तो कोई बड़ी सेलिब्रेशन रिलीजन की यहाँ होती नहीं थी, बहुत सादी लाइफ चलती थी। जैसे हम भीलों से पूछते हैं, भैया आप अपने मुर्दों को गाड़ते हो या जलाते हो, वो कहते हैं कभी जला लेते हैं कभी गाड़ लेते हैं, इतना लाइटली लेते हैं। या एक मज़ेदार बात यह है कि मशीनरी लोग यहाँ आते हैं, कादियानी और क्रिश्चियन नंगर पारकर में जाते हैं, कोली लोगों को भीलों को क्रिश्चियन करते हैं या कादियानी करते हैं, तो वो लाइटली हो जाते हैं, चलो मैं क्रिश्चियन हो जाता हूँ, मेरा नाम लिख लो। और 1-2 साल के बाद वो कहते हैं वो उसको छोड़ दिया, अभी फिर मैं वही भील हूँ। तो वो मज़हब को भी ज़्यादा सीरियसली लेते ही नहीं है, बहुत लाइटली लेते हैं। कोई उन्हें पैसा दे दे कि भाई कादियानी हो जाओ, चलो हो जाता हूँ कादियानी, क्या है इसमें। थर के तकरीबन सब गांव में 5 बजे से औरतें उठना शुरू करती हैं, माल मवेशी जो होते हैं उसका दूध निकालना होता है, उसके बाद चाय बनाती हैं और बाकी घर का काम जो होता है, नाश्ता भी होता है, घर की सफाई है, उसके बाद वो मर्द वगैरह जो होते हैं वो अपने कामों पे चले जाते हैं, वो पानी लेने के लिए जाती हैं। सबसे मुश्किल जो काम है वो पानी लाना है, जो कि थर के किसी भी गाँव में घर के करीब पानी का कुआं नहीं होता है।
बहुत मुश्किल से ऐसे को गांव मिलेंगे, तो वो कभी कभार 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, इवन ऐसे भी गांव है जहाँ 8 किलोमीटर भी जाना पड़ता है। औरतें ज्यादातर पानी लेने के लिए जाती हैं, वो ऊंट तो औरत नहीं इस्तेमाल करती है, गधे पे पानी जो होता है वो लेने के लिए 2 से 2.5 घंटे उस पानी लाने में लगते हैं। तो उसके बाद उसका फिर होता है कि खाना पकाना, गांव में ज्यादातर खाना पकाना शुरू करते हैं 11-12 के बीच में। उसके बाद कोई उनके लिए बाकी तो एंटरटेनमेंट या इधर उधर जाने का नहीं होता, तो वो सारा दिन फिर सुई का काम करते हैं, भर्त भरते हैं शाम 4 बजे तक। थर में जिसको काम करना नहीं आता है उसको बुरा माना जाता है कि ये कौन सी लड़की है, ये कौन सी औरत है जिसको सुई पकड़नी नहीं आती है। 3 बजे तक तकरीबन यही उनका होता है, उसके बाद चाय होती है 2:30-3 बजे, जो शहरों में लोग खाना खाते हैं उस वक्त गांव के लोग चाय बनाते हैं। चाय के बाद फिर शाम को वही पानी का होता है। कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें ज्यादा दूर पानी है तो वो सुबह ही भर लेते हैं, शाम को नहीं जाते हैं, लेकिन जिनका थोड़ा करीब है तो वो कुछ सुबह को भर लेते हैं कुछ शाम को। पानी के बाद फिर खाने की तैयारी होती है, और माल मवेशी जो वापस जंगल से आती है उसका दूध निकालते हैं, उसके जो छोटे बच्चे होते हैं उसको बांधते हैं, इधर उधर कोई काम होता है। तकरीबन 7:30 तक 7:30 बजे तक उनका खाना भी पक जाता है, खा लेते हैं खाना। तो 7-8 बजे तक ज्यादातर औरतें तो खाना खाकर अपना सारा काम खाने के बाद बिस्तरा बच्चों का मर्दों का ये वो करके सो जाती है। ये तो नॉर्मल डेज है, जब बारिश की सीजन होती है खेतों के काम होते हैं तो वो तो सुबह तकरीबन 11 बजे अपने घर का काम करके चली जाती है खेत पे। 70s के बाद जब थर में तब्दीली आना या तरक्की आना शुरू हुई तो सबसे बड़ा खतरा जो था, पहला जो शिफ्ट आया वो ये था कि बार्टर इकोनॉमी से कैश इकोनॉमी पे शिफ्ट हुआ, और लोग उसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन हुई। जिसको थोड़ा बहुत अंदाजा था वो तो अमीर हो गया, उसने उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, जिसको पता नहीं था वो रह गया, वो गरीब हो गया। अब हम जब देखते हैं कि इतने अरसे गुजरने के बाद वो प्रोसेस में उस ट्रांजिशन में शामिल हुए, तो अभी एक उम्मीद बनती है कैश इकोनॉमी का जो ट्रांजिशन आई बार्टर से, अब लोगों ने उसको समझना शुरू कर दिया, अब उससे ज्यादा फायदा लेने के इम्कान बढ़ गए और लोग ले भी रहे हैं। इसको 30 साल लगे इस पूरे ट्रांजिशन को मैनेज करने में, लोगों को बड़ी मुश्किल हुई कि इस ट्रांजिशन को किस तरह मैनेज किया जाए, लेकिन अभी माशाल्लाह लोग बैंक में जाते हैं, अकाउंट में पता है कि कैश की वैल्यू क्या है, कैश को किस तरह मैनेज किया जाए। तो बहुत सारी स्कीम्स भी आई हैं, हुकूमत की तरफ से स्कीम्स आ रही है, प्राइवेट सेक्टर में स्कीम्स आई हैं, माइक्रो फाइनेंस का फ्लोरिशिंग हो रहा है। इसमें तो मौजूदा सूरत हाल में अगर हम थर को देखते हैं, अगर आप पिछले 10 साल आए हुए थे यहाँ पे और अभी आते तो आपको भी एक तजुर्ब होता कि वो थर कहाँ गई जिसमें ऊँट नजर आते थे, जिसमें ऊँट पे 6 लोग बैठे हुए नजर आते थे, जिसमें ऊँट की कतार चल रही होती थी, जिसमें घोड़े सवारी हो रही होती थी, बड़ी तब्दीली हुई। उसमें सबसे ज़्यादा तो रोड नेटवर्क कम्युनिकेशन जिसमें टेलीफोन्स का बहुत बड़ी सहूलता हुई है, पानी के ऊपर नए तरीके से काम किए जा रहे हैं, पाइपलाइंस के जरिए लंबी लंबी पाइपलाइंस के जरिए पहुंचाने की कोशिशें की जा रही, दूर दूर तक नवकोट से अगर पानी नगर पार कर तक जाने का इम्कान बन गया है, तो ये बहुत बड़ी एक तब्दीली रूनुमा हो रही है इस स्थान में। इस सूरत हाल में जो एक नई चीज हम देखते ये है मौजूदा थर में कि एक स्किल जो लोगों के पास मौजूद था, एक विजडम जो लोगों के पास मौजूद था सर्वाइवल का, उसको एक नया चांस मिला, वो एक मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनते जा रहे हैं, वो शहरों में जा रहे हैं। अगर उनके पास कोई स्किल है स्टिचिंग का तो वो गारमेंट में काम कर रहे हैं, ट्रेन में यहाँ पे स्किल था कोई इंजीनियरिंग का, केकड़े अगर यहाँ चला सकते हैं तो वहाँ पे वाटर मैकेनिक भी चला सकते हैं। इकोनॉमी जाहिर आ रही है, रेमिटेंस आना शुरू हो गया है, बाहर से लोग यहाँ पे अब थर में आना शुरू हो गए हैं, बहुत सारा हिस्सा टूरिज्म का पिछले साल बरसातों में देखा गया कि एक एक दिन में 5,000 लोग भी थर में इंटर हुए तफरी के लिए, एक नया थर देखने के लिए, क्योंकि रोड मौजूद था, एक्सेस मौजूद थी। थर को सबसे ज्यादा फायदा हुआ इस जदीद दौर में, वो जो कहत या खुश्कसाली 87 में हुआ करती थी या 70s में जो ड्राउट का असर हुआ करता था वो 80s में कम हुआ, जो 80s में हुआ करता था वो 90s में हुआ,
और जो अभी 2000 के बाद जितना भी ड्राउट आ रहे हैं या आने का इम्कान है, जो कि नई बात नहीं होगी, लेकिन उसका असर इतना नहीं होगा जितना हुआ करता है। ना इतने मवाशी मर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोड है तो चारा भी पहुँच सकता है, यहाँ पे रोड है तो पानी भी मस्जिद के जरिए पहुँच सकता है। तो रोड और इस कम्युनिकेशन फैसिलिटीज की वजह से लोगों में खुशहाली आई है और मुश्किलात में कमी होगी। मुश्किलात में सिर्फ ये नहीं कमी होगी कि ड्राउट में वो फैसिलिटेट हो जाएंगे, लेकिन उनके सेहत के हवाले से भी देखा जाए वो एक्सेसिबल है। अब वो कहीं से भी किसी भी गांव से 2 घंटे के अंदर हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं, जो पहले मुमकिन नहीं था। थर में पहली दफा हमने ये भी देखा है कि प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स खुल गए, तो एजुकेशन में भी एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि पब्लिक सेक्टर से हटके भी एक एजुकेशन की तरफ तवज्जो जा रहा है। उसकी वजह से जाहिर है ये जेंडर बैलेंस का भी आंसर सामने आएगा। पहले तो सिर्फ मर्द मोबाइल होके चला जाता था शहर में, हॉस्टल में रह जाता था लड़का, लेकिन अभी चांसेस ये भी हैं कि ख्वातीन गांव में भी उनको एक बुनियादी तालीम मिलने का इम्कान बढ़ गया। जहां हम कहते हैं कि अपने ख्वाबों को संवार कर रखना, क्योंकि सहरा के मुसाफिर की मंजिल मिट जाएगी अगर तुमने ख्वाब भुला दिए।